हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल मैच होने जा रही है बेल्जियम और फ्रांस में, उसकी ड्रीम इलेवन टीम बनने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये दोनों ही टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं। तो ये आप बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। ऑफिशियल मैचेस, इनके बीच 7 मैचेस हो चुके, जिनमें से 3 मैच फ्रांस जीत चुके, 2 मैच बेल्जियम जीत चुके और 2 मैच ड्रॉ हो चुके। दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, तो आप इस हिसाब से समझ जाइए कि बेल्जियम जीतेगी या फिर फ्रांस जीतेगी। तो यहाँ अगर कोई ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे, तो मैंने हमेशा से ऐसे, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए, आप कार्ड में भी देख सकते हैं। लेकिन जो नए हैं उनके लिए भी बताता हूँ, स्मॉल लीग के लिए ऑप्शन नहीं होते, एक दो ही ऑप्शन में चेंज करता हूँ। लेकिन ग्रैंड लीग के लिए जो रिस्क के ऑप्शन होते हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ग्रैंड लीग के लिए कोई टीम बनाता है तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 टीम बने। अगर 3 टीम बनाते हो तो यहाँ देख सकते हैं कि बेल्जियम की एक टीम में बेल्जियम के ज़्यादा प्लेयर लो, दूसरे में फ्रांस और तीसरे में मिक्स जो स्मॉल लीग के लिए होती है टीम। तो ऐसा है कि अगर आप बेल्जियम के टीम लेते हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर बेल्जियम जीतती है तो उनके जो प्लेयर मैंने लिए वो सभी अच्छे खेलेंगे, तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी, 2 टीमें आपकी नीचे आएगी। वैसे ही अगर फ्रांस जीतती है, तो हमेशा अगर मेरी टीम के साथ अगर चलते हो जो ऑप्शन में देता हूँ, तो आप 100% जीतोगे और ग्रैंड लीग में टॉप रैंकिंग पा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं गोलकीपर में, तो यह बेल्जियम के कोर्टस बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और फ्रांस के लोअरिस, तो मैं लोअरिस को लेने जा रहा हूँ। अगर स्मॉल लीग के लिए कोई टीम बनाने जा रहा है तो कोर्टस को लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, पॉइंट के चलते भी कभी कभी लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो लोअरिस के मतलब कोर्टस को ले सकते हैं। ये दोनों ही खेलने वाले, ऐसा नहीं, लेकिन पॉइंट का अगर डिफरेंस होता है स्मॉल लीग के लिए। लेकिन जो ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रही वो लोअरिस को ले सकते हैं। यहाँ मैं अपने सबसे बेस्ट प्लेयर लेता हूँ, बाद में बताता हूँ कौन से सेफ हो सकते हैं, सभी सेफ है। लेकिन जो ग्रैंड लीग के लिए और ऑप्शन हो सकते हैं दूसरी टीम में, या फ्रांस के उम्मीदी बहुत अच्छे डिफेंडर है, वैसे बेल्जियम की कंपनी, तो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, उन्हें भी लीजिए। लुकास हर्नांडेज, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वारने को ले सकते, बोयाटा जो खेलने वाले नहीं, तो यहाँ तोबी को लेता हूँ मैं। यहाँ जो ऑप्शन मैंने दिए जो खेलने वाले, या देख सकते हैं हर्नांडेज खेलने वाले, सिदेबे और वारने, ये 3 खेलने वाले, उन्हें अगर आप नेक्स्ट टीम में लेते हो तो अच्छी बात है। अगर कोई स्मॉल लीग के लिए टीम लेने जा रहा है तो यहाँ देख सकते हैं कि यह तीनों ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं। अगर एक चेंज करना चाहो तो आप हर्नांडेज को ले सकते हैं तो बेकी जगह। तो यहाँ बात करते हैं मिडफील्डर में, तो यहाँ बेल्जियम के सबसे 2 अच्छे प्लेयर मिडफील्डर में हजार्ड और केविन डी ब्रॉयन, तो वैसे ही फ्रांस के 2 अच्छे प्लेयर है डेमली और चैदली, ये दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर है। और सबसे अगर बेस्ट हो सकते तो यहाँ पोगबा और मोतोदी, पोगबा को मैं लेने जा रहा हूँ। या और ऑप्शन मैंने बताया कि अगर क्रेडिट के चलते जैसे कांते, मतोदी जो है और विटसेल, ये तीनों ही बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। अगर कोई ग्रैंड लीग के लिए टीम बनानी चाह रहा हो तो ले सकते हो। अगर स्मॉल लीग के लिए कोई चेंजेस करना चाहता है, यानी कि आप पिछले मैच में मुझे कमेंट है कि डेमले खेलने वाले, मैंने बताया था कि इतना कन्फर्म नहीं लेकिन खेलेंगे जरूरी, खेले थे और अच्छे पॉइंट कमाए थे। तो एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं कि इतना इंजरी के चलते बाहर जाने वाले, तो यार डेम्बेले हो सकते हैं। तो अगर उनकी जगह सेफ लेना चाहते हो, मोतोदी हो सकते हैं और यहाँ विटसेल भी हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, उन्हें अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ बेल्जियम के सबसे अच्छे प्लेयर लुकाकू, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है, और फ्रांस के एंथोनी ग्रिजमन, तो यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट के चलते एंथोनी ग्रिजमन नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं डेम्बेले को निकालता हूँ, टेमिले की जगह मैं विटसेल को लेने जा रहा हूँ। और यहाँ हजार्ड की जगह यह देख सकते हैं तो मैं यहाँ मोतोदी को लेने जा रहा हूँ, या फिर सबसे बेस्ट हो सकते हैं डेमिली, जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और यहाँ मैं एंथोनी ग्रिजमन को लेने जा रहा हूँ। और यहाँ फ्रांस के सबसे अच्छे अगर प्लेयर, जैसे मैंने पिछले मैच में कहा था कि मेबेपे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और मेबेपे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, और एंथोनी ग्रिजमन, तो यहाँ चुनना मुश्किल होता है क्योंकि 11 प्लेयर लेने पड़ते हैं। अगर यहाँ अगर कोई प्लेयर चेंज करता है, मान लीजिए कि आप पोगबा की जगह या फिर केविन डी ब्रुइन, ये भी बहुत अच्छे, चैडली की जगह आप एक प्लेयर कम करके मेबेपे को लेते, सॉरी,
तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, मैपे को भी ले सकते हैं, और फ्रांस के ओली और ग्रूड वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फ्रांस की ओर से गोल होते तो या मैपे और ग्रिजमन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते, ओली और ग्राउड भी हो सकते, तो स्मॉल लीग के लिए कोई ऑप्शन होता नहीं। तो अगर आप या मिडफील्डर में कोई प्लेयर सेक्रीफाइस करते मतोदी से, अगर उनकी जगह यहाँ में मैंने बोला ओली और ग्रोड भी हो सकते और मैं को लेते सॉरी, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग के लिए जो तीन टीम बनाते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते, क्योंकि जो मैंने इस स्क्वाड में नहीं लिए और आप नेक्स्ट स्क्वाड में भी ले सकते वो प्लेयर, लेकिन स्मॉल लीग के लिए ऐसा होता नहीं, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन दिए। तो है आप बात आते हैं कप्तान वाइस कप्तान की, तो मैं एंटोनी ग्रिजमन को यह कप्तान करने जा रहा हूँ और वाइस कप्तान में लुकाकू को करने जा रहा हूँ। यह आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, फॉरवर्ड में मैंने लुकाकू को लिया है, एंटोनी ग्रिजमन को लिया, मिडफील्डर में डिफेंडर। अगर जो नया है पता नहीं फुटबॉल का तो मैंने कार्ड में वीडियो डाला है, टाइम अगर बचता है आपके लिए तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बताया कि डिफेंडर किस मैच में ज़्यादा लेना है या मिडफील्डर या फॉरवर्ड, और उस हिसाब से आप कप्तान वाइस कप्तान भी चुन सकते हैं। और यहाँ बात करते हैं कि कप्तान वाइस कप्तान के कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। मिडफील्डर में केविन डी ब्रुइने सबको पता है बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते और पोग्बा। तो यहाँ डिफेंडर की ओर से अगर जाते तो कंपनी, और गोलकीपर की ओर से जाते तो लियोरिस, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते। तो यहाँ देख सकते कि फॉरवर्ड में मैंने मेबेपे और ओली और ग्रोड को नहीं लिया, ये भी दो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन उनसे भी अगर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है तो मेबेपे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और गोल भी कर सकते हैं अगर फ्रांस की ओर से होता है तो अगर मेबेपे को लेते अपने स्क्वाड में तो अच्छी बात है। अगर जो स्मॉल लीग के लिए जो लेने चाह रहे उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाने जा रहा है वो अगर ना लेते तो अच्छी बात है, सेकंड स्क्वाड में ले सकते हैं, उन्हें कप्तान कर सकते हैं। अगर कप्तान वाइस टीम में लेते तो कप्तान वाइस कप्तान के ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीन चार बेस्ट ऑप्शन दिए, आप वो कप्तान वाइस कप्तान में से ले सकते हैं। वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।